हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजिप्ट एजुकेशन। आज का जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये है बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। और अगर आप हैं क्लास 12th में, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। अगर आपने अपने सब्जेक्ट में बायोलॉजी मेंशन किया है, यानी आपने बायोलॉजी लिया है, यानी जीव विज्ञान अगर आपने लिया है, 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं किस प्रकार का एक क्वेश्चन पेपर आया था। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है, तो उसको आप या तो स्नैपशॉट खींच सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने नोट्स में कर सकते हैं, मैंशन कर सकते हैं, या फिर उसको लिख सकते हैं। क्योंकि क्या पता इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले एग्जाम में क्या हो जाए, आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका 3 आवर्स का था और मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 70। तो चलिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन किस तरीके से आए थे। तो इंस्ट्रक्शन से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितने पेपर में क्वेश्चन हैं, कितने आपके पेजेस हैं, ये सब क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन को देखना पड़ता है। तो आप सबसे पहले एग्जाम में इंस्ट्रक्शन जरूर देखेंगे, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एजुकेट एजुकेशन को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट के लिए। तो एजुकेट एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट एंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट था, किस तरीके का आया था, तो मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा, आप इसको देखते जाइएगा किस प्रकार से बायोलॉजी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2020 के क्वेश्चन पेपर में। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन पेपर। ओके, इसी तरीके से मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट्स एंड मोर क्वेश्चन पेपर के आप एजुकेट एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आप देखते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, काफ़ी क्वेश्चन पेपर अपलोड होते जाते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजुकेट एजुकेशन के साथ।